और वेलकम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे टॉपिक के बारे में पूछा था कि आपको इन टॉपिक में से कौन सा टॉपिक समझना है, ठीक है? तो ज़्यादातर लोगों ने रिएक्ट जेएस का बोला है, ठीक है। मैं रिएक्ट जेएस के बारे में बताऊँगा आपको सारा, नोड जेएस, उसके बाद जावा, देन पीएचपी, ठीक है? दोनों का एक ही है, पीएचपी और जावा का। कोई नहीं, मैं सब के बारे में बता दूंगा। तो पहले स्टार्ट करता हूँ मैं रिएक्ट जेएस, ठीक है, इस वीडियो में, और इस पूरी मैं एक सीरीज लेके चलूँगा। तो देखो, जिनको रिएक्ट जेएस नहीं आती वो यहाँ पर जाए मेरी प्ले लिस्ट पर। यहाँ पर मैंने रिएक्ट जेएस के बारे में सब चीज़ बता रखी है। आप ओपन करोगे ना यहाँ पे, ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर मैं वन बाय वन सारे ओपन कर रखे हैं टैब। कि यहाँ पर देखो, सारी वीडियो अगर आपने 75 देख ली ना, तो रिएक्ट में आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जो कहते हैं ना कि यार ये चीज़ रहती है, ये चीज़ नहीं करी, वो चीज़ नहीं करी, या किसी कोई इंटरव्यू बोले कि यार ये नहीं आता वो नहीं आता, इसमें सारी चीज़ है भाई, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें नहीं होगा। अब जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, शायद मेरे से मिस हो जाए, क्योंकि 100% तो शायद मेरा भी नहीं होगा कुछ, लेकिन पर हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें आपको जो आपको रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो सारी चीज़ मिल जाएंगी, ठीक है? तो दूसरी चीज़ देखो, नॉर्मल आपको रिएक्ट इससे आ जाएगी पूरी। उसमें मैंने अपने हुक्स वगैरह है जो होते हैं फंक्शन कंपोनेंट में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें, रिडक्स कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ मिल जाएगी आपको इसमें। आपको एक स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए, जैसे रिडक्स हो गया, स्टेट मैनेज करता है ना, तो सेम इसमें एक मोवेक्स होता है, एमएसटी होता है, ठीक है, रिकॉल होता है, ये सब भी बता रखे हैं मैंने। अगर रिडक्स को यूज़ नहीं करना है, इनको यूज़ करना है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। पीडब्ल्यूए का कंसेप्ट मिल जाएगा आपको, पीडब्ल्यूए कैसे इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है, वो भी मिल जाएगा। फिर साथ में वेब पैक कैसे लगाते हैं, तो वेब पैक भी आपको मिल जाएगा इसी में। 75 वीडियो ना, इसी में आपके पड़े होंगे, ठीक है? ये तो सारी वीडियो, और वैसे सेपरेट प्लेलिस्ट भी है कि किसी को पहले रिएक्ट सीखनी है, उसके बाद मैं अपना रिडक्स पे काम करूँगा, रिडक्स के बाद पीडब्ल्यू पे काम करूँगा, पीडब्ल्यू हो जाएगा तो मैं वेब पैक पे काम करूँगा, और मरण की भी बना रखी है मैंने इसमें, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट जीएस, तो नेक्स्ट जीएस बेसिकली जैसे पता चलता है ना, हमें सर्वर साइड रेंडरिंग करनी है तो उसको प्रेफर करते हैं। इसमें तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधा कोड अपना सर्वर साइड रेंडरिंग होता रहता है, ठीक है? रिएक्ट में क्या होता है, थोड़ा सा एफर्ट होते हैं, ज़्यादा नहीं होते वैसे उसमें, वो भी मैंने बना रखे हैं। यहाँ पर ओपन करोगे ना, सर्वर साइड रेंडरिंग का कहीं ना कहीं वीडियो डाल ही रखा होगा मैंने, मैं इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको सर्वर साइड रेंडरिंग का, ये रहा, ठीक है? तो उसके बाद मैंने रिएक्ट के अंदर टेस्ट केसेस लिखने होते हैं आपको, वो भी मैंने बता रखे हैं, ठीक है? और आपको रिएक्ट टाइप स्क्रिप्ट के साथ यूज़ करनी है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता रखी है प्ले लिस्ट में, आप चेक कर सकते हो। और एक रिडक्स टूल किट आई हुई है, ठीक है, तो उसको यूज़ करना है आपको। एक होता है नॉर्मल रिडक्स, एक होता है रिडक्स टूल किट, उसमें थोड़ा शॉर्ट तरीका होता है उसको यूज़ करने का। रिडक्स में तो अगर आपको आइडिया है तो उसमें होता नहीं, चार पांच फाइलें बनानी होती है, एक्शन, एक जगह रिड्यूसर रखते हैं, एक जगह सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट वेरिएबल रखते हैं, फिर एक जगह हम स्टोर बना के रखते हैं, ठीक है? तो इसमें थोड़ा सा कोड छोटा हो जाता है, तो ये वाली चीज़ें बता रखी हैं। अपना जो राउटर अपडेट हुआ है 5.26, वो सब बता रखा है। और रिएक्ट क्यूरी ये भी इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, इसका भी कंसेप्ट आप सीख सकते हो यहाँ से। तो कहने का मतलब है, और ये टेस्टिंग लाइब्रेरी है, ठीक है? तो टेस्टिंग लाइब्रेरी हो गया, और एक एंजाइम हो गया, दोनों मैंने बता रखे हैं। यहाँ पर होगा एंजाइम, कहाँ गया ये, तो जो भी आपको बढ़िया लगे वो प्रेफर कर लो। दोनों का डिफरेंस डिफरेंस सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। अब इस प्लेलिस्ट को बनाने का मेरा क्या मतलब है, ठीक है? तो इसमें मैंने होता नहीं बेसिक बेसिक चीज़ें कि ये चीज़ कैसे बनती है, ये चीज़ क्या होती है, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। अब लोग क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है? अब वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि भाई मैंने ये सारी वीडियो तो पढ़ ली, इम्प्लीमेंट भी कर ली, लेकिन मेरे को ना अभी प्रोजेक्ट की नॉलेज नहीं है, कि मैंने अभी लाइव प्रोजेक्ट पर काम नहीं करा है, उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा तो नहीं है भाई मैंने इतने ये सब करके जाऊंगा और लाइव प्रोजेक्ट पे आकर अटक जाऊंगा। तो वो जो प्रॉब्लम है वो मैं सारी इसमें डिस्कस करूंगा। बाकी वैसे जो मरण में मैं बताया ना, मैंने इसमें इसमें मैंने मोस्टली जो चीज़ें बताई हैं, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर मारते हैं, मैं अभी पे बात करता हूँ। तो अभी ये मान के चलते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें कर ली, या मान लो रिएक्ट ही कर लिया, बेसिक चीज़ जो होती है रिएक्ट आपने कर ली। अब इसमें मैं जो कॉमनली, जैसे क्या होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है बेसिकली, उसमें 8-10 फॉर्म होते हैं, लिस्टिंग होती है, डेटा आता है, डेटा कहीं पे उसको एक्सपोर्ट करवाते हैं, मेल करवाते हैं, XYZ इस तरीके की चीज़ होती है। तो जो मेन मेन पैकेजेस हम यूज़ करते हैं रिएक्ट के अंदर, जैसे कोई CSV वाला हो गया, मेल वाला हो गया, लैंग्वेज वाला हो गया, कोई किसी की वेबसाइट देखी होगी आप, ऊपर ऊपर से देखो आप, अभी ये भूल जाओ कि आप कोडर हो,
आप ऊपर ऊपर से देखो कि एक वेबसाइट होती है, इसमें क्या होता है भाई, फ़िल्टर होते हैं हमारे पास, लैंग्वेज होती है, कोई इस पर क्लिक करता है तो लैंग्वेज आ जाती है, हिंदी इंग्लिश ये सारी चीज़ आ जाती हैं। तो जो जो कोई बटन होती है इस पर क्लिक करते हैं, डेटा डाउनलोड हो जाता है, CSV बन जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है, पेज इनिशन कैसे हो जाता है, डेट पिकर कैसे हो जाता है, रेंज कैसे हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर वन बाय वन जो कॉमनली यूज होते हैं वो सारे पैकेज के बारे में बताऊँगा इस सीरीज़ में, ठीक है। तो कोड वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करता हूँ। तो ऊपर ऊपर से कहने का मतलब ये था कि आप इस रिएक्ट में वो सारी चीज़ें देखोगे जो लाइव प्रोजेक्ट पर, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आपको मिलेगी देखने के लिए, ठीक है, वो मैं पैकेजेस आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। बाकी देखो वेबसाइट बनाना, अगर मैं शुरू से एक वेबसाइट बनाऊँ उसके डिज़ाइनिंग करता जाऊँ कि ये मेरी HTML ये CSS, उसमें क्या होता है, मेरे को लगता है टाइम वेस्ट, सीधी सी बात है, मैं आपके सामने कि इसका कलर मैं नीला कर देता हूँ, उसका पीला कर देता हूँ, इसको डिव को साइड में छोटा कर देता हूँ, उससे क्या ही लेना देना आपको। आप जाओगे किसी भी कंपनी में, आपको एक थीम मिलेगी, उसमें अपना आपको फंक्शनलिटी लगानी है कि अब ये क्लिक पे ये हो जाए, ऐसे क्लिक पे ये हो जाए, इस पे ये डाउनलोड हो जाए, इस पे ये चीज़ हो जाए, यहाँ पर फ़िल्टर लगे तो ऐसे ऐसे डेटा आ जाए, ठीक है। तो डिजाइनिंग वाला तो एक वन टाइम वाला प्रोसेस है, तो मेन उस पर हम ध्यान रखेंगे पैकेजेस वगैरह पे, जो मेन मेन फंक्शनलिटी होती है, ठीक है। तो कोड करना हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर ये वीडियो समझ आ जाए आपको तो प्लीज़ लाइक कर देना और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, क्योंकि इसी में आगे धीरे धीरे वीडियो आने वाली है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।